हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी भाई पॉलिटी को लेकर, सर पॉलिटी कराओ पॉलिटी कराओ, तो भाई वही मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं अपनी पॉलिटी की सीरीज़। और दिल्ली पुलिस का आने वाला है, आज तारीख कितनी होगी, आज है भाई 4 तारीख है मेरे ख्याल से, है ना। और बिल्कुल यानी बहुत ही कम दिन बचे हैं, लेकिन पॉलिटी में कितना करना है पेपर से पहले वो मैं आप लोगों को कराऊंगा भाई। आप लोगों को ना 5 या 6 टॉपिक करने हैं, वही करके जाने हैं, और वो मैं टॉपिक बता देता हूं कौन कौन से आप करके जाएंगे। तो पॉलिटी में सबसे पहले ना आप लोगों को मैं ये 5-6 टॉपिक कराऊंगा भाई, आप लोग सुन लो हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है पॉलिटी का, और इसी के हिसाब से फिर मैं कराऊंगा। सबसे पहले ना हर एक बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन के ना 22 भाग है भाई, 22 के 22 पार्ट पता होना चाहिए एक एक। मैं पूछूंगा भाई तीसरे पार्ट में क्या है, चौथे पार्ट में क्या है, 8वें पार्ट में क्या है, तो हर बच्चे को पार्ट पता होना चाहिए, ये मेरा पहला टॉपिक होगा। जिसको नहीं पता ये पार्ट क्या होते हैं अभी मैं कराऊंगा तब बताऊंगा भाई। चले सेकंड टॉपिक, आप लोगों को हर एक बच्चे को दोस्तों शेड्यूल यानी अनुसूचियां आनी चाहिए भाई। शेड्यूल टोटल 12 है, पहले 8 थी, तो ये शेड्यूल आप लोग सीखेंगे अनुसूचियां, ये मेरा सेकंड टॉपिक होगा। थर्ड टॉपिक जो आप लोगों को करना है दोस्तों वो होगा हमारे फंडामेंटल राइट, यानी हर बच्चे को मौलिक अधिकार का एक एक आर्टिकल याद होना चाहिए भाई, मौलिक अधिकार का एक एक आर्टिकल सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों हमारा डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आप लोगों को पता होना चाहिए, ये फिर से एक एक आर्टिकल आप लोगों को याद होना चाहिए। अब ये है क्या वो मैं टॉपिक कराऊंगा तब आपको बताऊंगा, पहले मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों को कौन कौन सा पार्ट सबसे पहले मैं कराने वाला हूं। दोस्तों अगला टॉपिक जो होगा वो मैं आप लोगों को कराऊंगा अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स होता है संविधान में संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन हमारा अगला टॉपिक होगा। हर बच्चे को फिर से संशोधन याद करने हैं भाई, समझ आया, ये टॉपिक हमारा सिलेबस बता रहा हूं मैं पॉलिटी में पेपर से पहले क्या क्या करके जाना है। अगला टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा पार्ट 5 दोस्तों है हमारा यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड, संघ सरकार से रिलेटेड, ये आप लोगों का सिलेबस है सबसे पहले जो हमारा प्रायोरिटी रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा टाइम बचेगा, 1-2 लेक्चर और आएंगे, लेकिन ये तो आपको याद करके ही करना है, समझ आया। चलो और यही टॉपिक हमने स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले आज हम क्या करेंगे अपना पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होगा हम लोगों को, ये पार्ट होते क्या है। चलो अब हमारी क्लास की हम शुरुआत करते हैं। चलो देखो याद रखना हम पढ़ रहे हैं दोस्तों पॉलिटी में सबसे बात होती है, यानी पॉलिटी में आप पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान। तो सबसे पहले बात होती है भाई संविधान होता क्या है, थोड़ा सा 2-3 मिनट का भाई बेसिक कराऊंगा फिर पार्ट पे आऊंगा, ठीक है, वो चीजें पता होना चाहिए आप लोगों को। देखो संविधान होता क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ना एक रिटन डॉक्यूमेंट, मान लो ये किताब, जैसे किताब में हमारा लिखा रहता है ना, उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है और उसे भी क्या लिखा हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ना एक रिटन डॉक्यूमेंट है, हमारा संविधान एक दोस्तों रिटन डॉक्यूमेंट है, एक लिखित दस्तावेज है। जिस प्रकार आपकी कॉपी किताबों में लिखा रहता है ना, वो भी तो रिटन डॉक्यूमेंट है, वो भी तो क्या है दोस्तों लिखित दस्तावेज है। क्या आप लोगों को समझ आया। चले भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जब भी मैं पूछूं संविधान क्या है आप क्या बोलोगे, संविधान एक लिखित दस्तावेज है। अच्छा भाई फिर बात आती है तो क्या लिखा हुआ है ये तो बताओ, क्या लिखा हुआ है, फिर आप बोलोगे जिसमें रूल और रेगुलेशन लिखे हुए हैं भाई, जिसे क्या लिखे हुए हैं, रूल एंड रेगुलेशन, यानी कानून और नियम लिखे हुए हैं। बहुत सारे संविधान में क्या लिखे हुए, कानून और नियम, और इन्हीं कानून और नियम के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को क्या करना है, अपना देश चलाना है, अपना देश चलाना है, और यही है संविधान, यही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक सी मैंने एक डेफिनेशन दी, जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन आप बोलोगे संविधान एक लिखित दस्तावेज है। अच्छा भाई क्या लिखा हुआ है, रूल और रेगुलेशन लिखे हुए हैं, और इन्हीं रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या चलाना है, अपना देश चलाना है। क्या आपको समझ आया। आगे सुनो भाई, मैंने कहा संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिससे क्या लिखे हुए हैं, रूल और रेगुलेशन, तो याद रखना। फिर बात आती है ये बताओ ना फिर कितने रूल और रेगुलेशन लिखे हुए हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते दोस्तों याद रखना 395 रूल और रेगुलेशन है, 395 रूल और रेगुलेशन है हमारे संविधान में। और जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में, पॉलिटी की भाषा में बोलते हैं हम लोग आर्टिकल्स, इन्हीं रूल और रेगुलेशन को नाम क्या दिया गया है, आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद। यानी आप लोगों को एक बात पता चल गया, जब भी मैं आपसे पूछूंगा ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स का मतलब अनुच्छेद, अनुच्छेद क्या होते हैं तो आप समझोगे रूल और रेगुलेशन थे, ठीक है, कितने हैं 395। चले भाई अब ये तो पता चल गया 395 आर्टिकल लिखे हुए हैं,
अब याद रखना इन 395 आर्टिकल को ना इनके कई सारे भाग बना दिए, जैसे एक से लेकर चार तक है, फिर ये एक भाग, ये एक भाग, तो 395 तक ऐसे मैंने ना इनको 22 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 22 भागों में। यानी इन 395 आर्टिकल्स के मैंने कितने भाग बना दिए, कितने पार्ट बना दिए, ऐसे करते करते 22। तो जब भी मैं आपसे पूछूंगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आप क्या बोलोगे? 22 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया है। और दोस्तों यही मेरा टॉपिक है जो मैं आपको कराने वाला हूं, यही लिखा था मैंने, पार्ट करने वाले हैं। समझ आया? जिस प्रकार मैं कराता जाऊं उस प्रकार करते जाओ, जिसको आता है जब भी करो, मेरे अकॉर्डिंग करो भाई, मैं बताऊंगा कैसे आप लोगों को करना है, उसी प्रकार एक कनेक्टिविटी करते हैं हम अपने सारे टॉपिक को करने वाले हैं। चले, हमने दो बातें सीख ली। जब भी मैं आपसे पूछूंगा हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स है, तो आप क्या बोलोगे? 395। और इन 395 आर्टिकल्स को कितने भागों में डिवाइड किया दोस्तों? 22 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या आपको समझ आया या नहीं आया? चले, एक शब्द और होता है दोस्तों, शेड्यूल। अब एक शब्द और होता है शेड्यूल, अनुसूचिया। तो याद रखना अनुसूचिया कितनी है आज प्रेजेंट में, तो याद रखना 12 है। कितनी है? 12। यानी आप लोगों को ना अभी तक मैंने बेसिक चीजें यहां सिखाई क्या है, आप लोगों को संविधान के बारे में ना तीन चीजें पता चला। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं अगर आपसे पूछूंगा हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स है भाई, आर्टिकल्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 395। अच्छा, पार्ट कितने हैं, भाग कितने हैं, तो आप बोलोगे 22। और मैं बोलूंगा शेड्यूल कितने हैं, शेड्यूल क्या होते हैं, अनुसूचिया कितनी है, आप बोलोगे अनुसूचिया कितनी है, 12 है। कितनी है? 12 है। ये तीन डाटा आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए। समझ आया? अब आज का मेरा टॉपिक क्या था, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, यही हम करने वाले दोस्तों। देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था मेरा पहला टॉपिक मैं क्या कराऊंगा, पार्ट, अनुसूचिया कितनी है, 12 है, फिर मेरा दूसरा टॉपिक होगा फिर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी अमेंडमेंट्स और पार्ट 5, ये मैं आपको कराने वाला हूं। चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब हम अपने पार्ट्स को, ठीक है, भाग को अब कैसे सीखना है। देखो भाई, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, यहां पे लिख रहा हूं मैं पार्ट टोटल। देखो, जिस प्रकार आपकी किताब होती है ना भाई, नई बुक लेके आते हैं, नई बुक का पहला ही पेज इंडेक्स होता है। क्या होता है? इंडेक्स, कि मेरा पहला चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर क्या है, तीसरा चैप्टर क्या है। इसी प्रकार संविधान का ना, कॉन्स्टिट्यूशन का ये इंडेक्स होता है, ये जो पार्ट्स होते हैं। समझ आया? चले भाई, देखो यहां पे मैंने लिखा पार्ट, बताओ टोटल कितने होते हैं, 22। आगे देखो, टोटल 22 पार्ट है भाई। यहां पे मैंने एक टेबल बनाई, सब्जेक्ट, यानी जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो किस विषय से संबंधित है, यानी किस विषय से, कौन सा सब्जेक्ट है वो। अच्छा भाई, यहां पे मैंने बनाया एक कॉलम किसका, आर्टिकल्स का, आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद। अब बताओ जल्दी से कितने अनुच्छेद है भाई, कितने अनुच्छेद है, तो आपने बोला 395 आर्टिकल्स है। अरे इनको जिनको रूल और रेगुलेशन बोला था, देखिए अब मैंने को, अब हमको ना 22 के 22 पार्ट सीखने हैं भाई, पहले बता दी थी 22 पार्ट सीखने हैं। चले, सबसे पहले मैंने लिखा एक पार्ट, यहां पे 2, 3, 4 और एक 4 क्या और है दोस्तों, पहले हमारी 4A, 4A, पहले मैं ये बताने वाला हूं आप लोगों को 4 तक। सुनो भाई, याद कैसे करोगे, सबसे पहले एक स्टोरी सुनना। एक बात बताओ, ये जो संविधान है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे देश में ही तो लागू होगा ना, ये हमारा देश है, हमारे देश की बाउंड्री में ही लागू होगा ये जो हमारा संविधान है भाई। चाइना में हमारा संविधान थोड़ी लागू होगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ होगा, भारत के एरिया में होगा। तो सबसे पहला काम होता है एरिया डिसाइड करना, सबसे पहला काम है भारत का एरिया डिसाइड करो कितना है। क्या आप लोगों को समझ आया? यही पार्ट फर्स्ट है। चलो भाई, पहले हमने एरिया डिसाइड कर लिया। दूसरा जो काम है ना भैया, बताओ भारत में फिर हम लोगों को इस एरिया में ना अपने लोग डिसाइड करने हैं कि भाई भारत के कौन है और विदेशी कौन है, ये छांटने हम लोगों को। तो दूसरा काम है हम लोगों को भाई भारत के नागरिक सेलेक्ट करना, भारत के क्या सेलेक्ट करना, नागरिक सेलेक्ट करना, नागरिकों को सेलेक्ट करेंगे भाई कौन भारत का है कौन भारत का नहीं है। पहला काम था एरिया डिसाइड कर लिया, समझ आया? एरिया डिसाइड करने के बाद दूसरा काम क्या है, भारत के लोग डिसाइड कर लिए कौन भारत का है कौन भारत का नहीं है। अब ये बताओ, जब मैंने भारत के लोग भी डिसाइड कर लिए कि ये भारत के हैं, तो फिर तीसरा काम पता है क्या होगा, मैं उनको ना कुछ अधिकार दूंगा कि भाई जो भारत के हैं उनके ये राइट है भारत में। तो तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है फंडामेंटल राइट। देखो एक बार साथ के साथ लिख देता हूं मैं यहां पे दोस्तों, पहला काम था, सबसे पहला जो भी कुछ होगा ना, पहला काम होता है एरिया डिसाइड करना। तो पहला जो है ना भाग किससे संबंधित है, आपसे यही क्वेश्चन आएगा, पहला है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब है संघ और उसका क्षेत्र,
संघ और उसका क्षेत्र। संघ का मतलब है हमारा देश और उसका कितना एरिया है। पहला काम तो ये डिसाइड करना है भाई, सबसे पहला भाग किससे संबंधित है। तो जब भी पूछा जाए ना पहला भाग बताओ, पहला एरिया डिसाइड करना है। एरिया हमने डिसाइड कर लिया यूनियन और उसका टेरिटरी यानी उसका क्षेत्र। अच्छा भाई ये तो समझ गए किससे संबंधित है, फिर आर्टिकल बताओ ना कितना से कितना। तो एक से लेके चार आर्टिकल, तो एक से लेके पहला दूसरा तीसरा चौथा, जो चार आर्टिकल है ना वो किसके बारे में डिस्कस करते हैं, हमारे एरिया के बारे में। क्या आपको समझ आया दोस्तों? ये भाग याद होने चाहिए, पहले बता रहा हूं पेपर में यही आएगा भाई, कौन से पार्ट में डायरेक्ट आएगा, तीसरे पार्ट में बताओ क्या है भाई, पांचवें पार्ट में बताओ क्या है, आठवें पार्ट में बताओ क्या है, इस तरह क्वेश्चन आएगा। या पूछ लिया जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी संविधान के किस भाग में जिक्र है, इस तरह। देखो पहले एरिया डिसाइड कर लिया, दूसरा काम था भारत के लोग डिसाइड करना। भारत के लोग डिसाइड करने का मतलब है दूसरा जो भाग है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है दोस्तों, नागरिकता। नागरिकता यानी कौन भारत का लोग है, कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है, ये डिसाइड करेगा भाग दो। और आर्टिकल कितना से कितना, देखो चार खत्म हुआ है ना, तो पांच से ग्यारह, पांच से ग्यारह। तो क्या आपको समझ आया दोस्तों? बहुत इजी है, अगली स्टोरी तो बिल्कुल आसान है। ये थोड़ा सा याद रखना भाई, चार तक पहला काम था एरिया डिसाइड करना। बताओ ऐसे दिमाग में याद रखोगे, पहला काम है एरिया डिसाइड करना, दूसरा काम है भारत के लोग डिसाइड करना। लोग डिसाइड कर लिए ना, नागरिक कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, ये सब कुछ कहां लिखा हुआ है, आप बोलोगे संविधान के भाग दो में लिखा हुआ है। आर्टिकल कितना से कितना आता है, पांच से ग्यारह, पांच से ग्यारह। चले भाई अब ये बताओ, भारत के लोग डिसाइड कर लिए हमने, फिर क्या काम था भाई, फिर क्या हम उनको अधिकार नहीं देंगे? तो तीसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स, यही तो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। दोस्तों डायरेक्ट पेपर में आएगा, डायरेक्ट पेपर आएगा। बताओ ये हम देखो संविधान पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मैं कहूंगा संविधान के किस भाग में, किस भाग में मौलिक अधिकारों का जिक्र है, फंडामेंटल राइट किस भाग में आते हैं, बताओ भाग तीन में आते हैं। समझ आया? अच्छा भाई आर्टिकल देखो ग्यारह खत्म हो गया ना, 11 से आगे क्या स्टार्ट होगा, 12, और 12 से 35 याद रखना है, 12 से 35। आज आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है, ये ना मैं आप लोगों का बेस तैयार कर रहा हूं, पहले बता दूं पॉलिटिका बेस, पॉलिटिका पहला चैप्टर यही होता है भाई, आप लोगों को 22 के 22 भाग पता होना चाहिए किस पार्ट में क्या है, अगर ये पता होगा ना तो सारी चीजें कर ले जाओगे। तो आज घर जाके आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ भाग, हर एक बच्चे को पार्ट याद होने चाहिए। तो पहला एरिया डिसाइड कर लिया, दूसरा भारत के लोग डिसाइड कर लिए, तीसरा फिर हमने उनको क्या दे दिया, अधिकार दे दिया। अब चौथा सुनो भाई, एक चार क्या बता रहा हूं, डायरेक्ट चार क्या बता रहा हूं, पहले मैं बता रहा हूं आप लोगों को फोर का, फोर ए, ठीक है, जिसको फोर ए इंग्लिश है। देखो भाई ये बताओ, जब अगर हमने उनको अधिकार दिए हैं तो उनसे कर्तव्य, उनका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है देश के प्रति। तो चौथा जो है ना, चौथा क्या, चौथा ए, वो है दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य आते हैं दोस्तों 51A में। ये 12 से 35 थे तो ये 36 से 51 आएगा, और 51A में क्या आएगा, 4A, 51A मौलिक कर्तव्य। अब देखो ये चार क्या है, ये अभी के लिए ऐसा कैसे याद रख लेना भाई, इसको मैं बाद में बताऊंगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है डीपीएसपी। ये डीपीएसपी होते क्या है, जब चैप्टर आएगा तब समझाऊंगा। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी ये होता है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। क्या आप लोगों को समझ आया दोस्तों? फिर से सुन लो, ये सब कुछ आपकी कॉपी में लिखा होगा या कहीं से भी पढ़ सकते हैं, या पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा। आपका काम है सिर्फ पहले भाग याद करना, पहले बता दी है भाई, एक बार जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। देखो भाई पहला था हमने एरिया डिसाइड कर लिया, दूसरा काम था भारत के लोग डिसाइड कर लिए सिटीजनशिप, तीसरा लोग डिसाइड करने के बाद उनको अधिकार दे दिए फंडामेंटल राइट। भाई अधिकार दिए तो उनका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, तो शुद्ध चार कह में जाओ तो फंडामेंटल ड्यूटीज है मौलिक कर्तव्य। भाई उनका भी तो देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है ना। अच्छा भाई तो ड्यूटीज तो आती है चार ए में, तो फिर चार में क्या है, तो चार में है डीपीएसपी। अब ये डीपीएसपी क्या होता है, छोटा सा पॉइंट सुन लो, चैप्टर आएगा तब समझाऊंगा, पहले बताता हूं। यानी ये डीपीएसपी थोड़ा सा बता रहा हूं भाई, जब भी कोई भी सरकार है, मान लो बीजेपी की सरकार, आज बीजेपी सरकार अगर कोई भी देश में कानून बनाएगी ना, तो वो 36 से 51 में जो जो बातें लिख रखी है ना, उन बातों को ध्यान में रखते हुए उनको क्या बनाना है, कानून बनाना है। और यही है डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव डायरेक्शन है, निर्देश है भाई, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यानी स्टेट का मतलब है देश में जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी उनके लिए इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना भाई।
तो अभी के लिए इस पे मत जाओ, डायरेक्ट हम लोगों को ये भाग याद रखना। मैं पूछूंगा ना डीपीएसपी का जिक्र, बताओ संविधान के किस भाग में है? चार। और दोस्तों हमारे जिन संविधान निर्माता ने उन्होंने कहा था अगर 36 से 51 में जो जो बातें लिखी है अगर हमने इनको पूरा कर लिया ना तो हमारा देश भाई एक नंबर का हो जाएगा, यानी कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट हो जाएगा। चले भाई क्या यहां तक समझ आया नहीं आया? आप लोगों को मैंने सिखाया चार तक, भाग कितने हैं? 22 है। ठीक है आगे सुनो भाई, चार तक एक स्टोरी बनती थी, फिर से सुनो। अब फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पे, पार्ट कितने थे? 22। समझ आया? बिल्कुल इजी है अग्नि। अब मैं 10 तक ले जाऊंगा डायरेक्ट, डायरेक्ट 10 तक सारे याद हो जाएंगे आप लोगों को। अब एक ही स्टोरी में यहां पे सब्जेक्ट है यानी विषय, चार कह तक सीख लिया हमने किस विषय से संबंधित है, और यहां पे हमको क्या सीखना है दोस्तों? आर्टिकल्स, यहां पे आर्टिकल्स अनुच्छेद, और अनुच्छेद कितने थे टोटल? 395। याद रखना आर्टिकल साथ की साथ याद होंगे अगर इस प्रकार याद करोगे। बहुत सारे कई बच्चे कहते हैं सर आर्टिकल याद नहीं होते, अरे आर्टिकल पहले एक सिस्टमैटिक तरीके से सीखो ना। सबसे पहले है जिनको आर्टिकल याद नहीं होते ये भाग याद करने हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, अबे मैं 5 से लेके 10 भाग तक आप लोगों को डायरेक्ट याद करवाने वाला हूं, चार ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 से लेके 10 तक एक स्टोरी बनती है अलग से। अब वो स्टोरी सुनो भाई, देखो एक बात बताओ, सबसे पहले ये है हमारा देश भाई, ये है हमारा देश, देश को हम क्या बोलते हैं? सेंटर, सेंटर या यूनियन। देश को क्या बोलते हैं? सेंटर या यूनियन, केंद्र या संघ भाई। अच्छा भाई हमारे देश में ये बताओ या तो राज्य है बहुत सारे और या केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोगों को पता है ना मैं जब भी पूछूंगा भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी है तो सबसे पहले देश था, देश में बहुत सारी स्टेट है और क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो ये क्या है भाई बताना? ये मैंने बनाया है स्टेट और ये क्या बनाया मैंने? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। क्या आपको समझ आया? बस जिस प्रकार कहता जाऊं उस प्रकार सीखते जाओ भाई। सबसे पहले देश था, देश के अंदर दो चीजें हैं, या तो राज्य है और या केंद्र शासित प्रदेश है। क्या आपको यह समझ आ गया? आगे सुनो भाई, अब एक बात आओ, हर राज्य के अंदर क्या पंचायतें है या नहीं है? किसी भी राज्य में चले जाओ वहां पे ग्राम पंचायतें जरूर मिलेगी। अब राज्य के अंदर क्या थी? पंचायतें, और पंचायतों के अंदर कौन लोग रहते हैं? एससी और एसटी लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं? एससी और एसटी लोग रहते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई जो याद रखनी थी, और आप लोगों को 5 से लेके 10 भाग तक क्या हो चुका? याद हो चुका। कैसे याद हो गया? देखो अब बताता हूं कैसे याद हो गया। तो चार तक सीख चुके थे, सबसे पहले भारत देश था ना, तो जो देश है ना दोस्तों वो भाग 5 है। देश के अंदर दो चीजें थी, राज्य, राज्य का मतलब भाग 6, और क्या थी? यूनियन टेरिटरी, यानी 6 तो राज्य हो गया। देखो दोस्तों याद रखना 7 भाग ना हटा दिया गया है, अब 7 नहीं है, तो 7 हटा दिया तो यूनियन टेरिटरी कौन सा आ गया? 8वें भाग में जिक्र है। क्या आपको समझ आया भाई? सबसे पहले देश था भाग 5, फिर भाग 6 राज्य सरकार, 7 है नहीं तो यूनियन टेरिटरी के बारे में जिक्र कौन से भाग में है? 8वें भाग में है। अच्छा भाई फिर राज्यों के अंदर क्या था? पंचायतें, तो पंचायतें भाग 9 में आती है। पंचायतों के अंदर क्या था? एससी एसटी क्षेत्र, तो ये भाग कौन सा है? 10 है। क्या आप लोगों को समझ आया? देखो यही स्टोरी आप लोगों को याद रखनी थी, बस यहां पे आओ, डायरेक्ट यहां पे आओ। अब मैंने कहा 5, 6, 7, 8, 9 और दोस्तों 10, 10 तक पहुंच रहे भाई, और मेरे को पता है 9 ए भी है 9 बी भी है। अभी उस पे मत जाओ, जितना मैं करा रहा हूं पहले उतना याद करो भाई, सीधी सी बात है। देखिए सबसे पहले 5 भी पढ़ेंगे क्या है, 6 में क्या है ये भी पढ़ेंगे, 7 में क्या है ये भी पढ़ेंगे, 8 में क्या है अब ये भी देखने वाले हैं, 9 और 10 क्या है ये भी देखेंगे। सिंपल एक स्टोरी थी, ये बताओ 5 में क्या था? सबसे पहले भारत था हमारा देश, तो देश का मतलब क्या था? सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट भाई, सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट आती है। एक बार पॉइंट सुनो भाई, यहां पे केंद्र था ना, केंद्र बस पीछे क्या लगाना है मेरे को? सरकार लगाना है। यहां राज्य था तो राज्य के पीछे क्या लगाना है? सरकार लगाना है, बस और कुछ नहीं। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा ना यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ सरकार का जिक्र संविधान के किस भाग में आता है ये बताओ ना, तो आप क्या बोलोगे? भाग 5 में। अच्छा भाई फिर स्टेट गवर्नमेंट का जिक्र बताओ ना, राज्य सरकार का जिक्र कौन से में आता है? भाग 6 में। भाग 6 में राज्य सरकार का जिक्र है, और भाग 7 हटा रखा है मैंने बता दिया था, और भाग 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र। जब भी मैं पूछूंगा ना बताओ संविधान के किस भाग में है, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज का जिक्र संविधान के किस भाग में, अब क्या बोलोगे? भाग 8 में भाई। अब ये बताओ पहले 3 चीजें ये थी, राज्यों के अंदर 2 चीजें थी, राज्यों के अंदर पहला था पंचायतें, तो यहां पे लिख दो ना पंचायतें, पंचायतों का जिक्र भाग 9 में है, और पंचायतों के अंदर एससी एसटी क्षेत्र थे भाई, एसटी और एसटी क्षेत्र,
भाग 10 है। क्या हम लोगों को ये स्टोरी समझ आई कि कौन से भाग में क्या है? एक स्टोरी समझो ना भाई, पहले 4 तक याद रखो, फिर 10 तक याद रखने हैं। अच्छा भाई, अब इनके आर्टिकल और सीखो भाई, इनके आर्टिकल्स देखो। यहां हमने कहां तक खत्म किया था? 51 तक, है ना, 51 तक। अब यहां स्टार्ट होगा भाग 51, स्टार्ट होगा 52 से। तो याद रखना पूरे 100 आर्टिकल है, 52 से लेके 151, 52 से 151 पूरे 100 आर्टिकल। अच्छा भाई, फिर यहां से स्टार्ट होगा 152 से। देखो 151 खत्म हो गया तो कहां से स्टार्ट होगा? 152 से 237 तक। भाई इसमें एक ही आर्टिकल आया करता था 238, तो उसको 238 आया करता था, उसको क्या कर दिया? हटा दिया है। तो 238 इसमें आया करता था जो आर्टिकल अब नहीं है। तो अब यहां यूनियन टेरिटरी स्टार्ट होता है 239 से 242, फिर यहां पे एक ही है 243, और यहां भी एक ही है 244। क्या आपको भाग 10 तक याद हुए? नहीं हुए? आज आप लोगों का संविधान में कुछ नहीं करना, पॉलिटी में जाते ही बस एक टॉपिक करना है, पहले बता दी है तुम्हारी माँ कसम, है ना। तो एक टॉपिक करोगे सबसे पहले, वो टॉपिक कौन सा है? हमारा भाग है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। मैं जिस प्रकार कह रहा ना उस प्रकार करो तो सही भाई, समझ आया? अपने आप सारी चीजें आप लोगों को ईजी लगना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी भाई। चले भाई, एक बात बताओ जल्दी से फटाफटे, हमने अब 10 भाग तक कर लिए है। कितने भाग तक है? 10 भाग। अब 10 के 10 अपने आप बताओगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ए भी पढ़ा था, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने आप बताओगे, एक स्टोरी यहां तक थी, 4 ए तक, एक स्टोरी यहां तक थी, दो स्टोरी बताई ना। तो देखो पहला काम था एरिया डिसाइड करना, पहला है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाई पहला भारत का एरिया डिसाइड करना है, फिर भारत के लोग डिसाइड करना है, भाई कौन भारत का आदमी है, कौन भारत का नागरिक नहीं है। तो ये सब कुछ भाग 2 में लिखा हुआ है, यानी नागरिकता। भाई भारत के नागरिक भी एरिया डिसाइड कर लिया, नागरिक डिसाइड कर लिए। भाई नागरिक डिसाइड करने का उनको अधिकार भी तो देने पड़ेंगे। तो तीसरा फंडामेंटल राइट, भाई राइट दी है तो उनकी भी तो कुछ देश के प्रति ड्यूटी बनती है। तो 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज आ गया। चौथा याद रखना भाई, 4 में सीधा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये है क्या जब समझाऊंगा, तो पहला सीरीज हमको यहां तक याद रखनी अपनी। अच्छा भाई, फिर एक दूसरी कहानी यहां से हमने पढ़ी थी, पांचवा, सबसे पहले भार, हमारी एक सरकार होती है जिसको क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। भाई देश की सरकार है, केंद्र सरकार। अब देश के अंदर दो चीजें थी, या तो राज्य है और या यूनियन टेरिटरी है। तो ये जो राज्य है ये भाग 6 में है स्टेट, भाई 7वां हटा दिया है, तो 8वां यूनियन टेरिटरी था। तो देश है, देश के अंदर या तो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। फिर राज्यों के अंदर दो चीजें थी भाई, एक पंचायत थी, और पंचायतों के अंदर क्या था, एससी और एसटी लोग रहते हैं। तो बताओ ये 10 तक पहुंच गए, बड़ा ही आसान था भाई। क्या समझे, आया या नहीं आया बताओ यहां तक। पहले आर्टिकल भी याद होने चाहिए, आज काम यही है तुम्हारा, भाग के अलावा कुछ याद नहीं रखोगे। आगे सुन लो भाई, आगे सुन लो। अब यहां पे सिंपल, अब जो जो 10 तक तो सारे, देखो भाई 15 तक तो सारे के सारे याद रखने हैं, और 15 से लेके 22 तक सिर्फ 2 या 3 याद रखने, वो मैं बताऊंगा। अब 22 के 22 भी याद नहीं रखने हैं। देखो क्या है, टोटल भाग कितने थे, 22, वापिस आओ, 22 पार्ट थे। यहां पे फिर से लिखा मैंने क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या, यानी किस विषय से संबंधित है, समझ गए ना? अभी देखा तो था भाई, सब्जेक्ट यानी वो को किस विषय से संबंधित है, सब्जेक्ट। और भाई यहां पे लिखेंगे आर्टिकल्स। अब बताओ जल्दी से कितने आर्टिकल्स थे, कितने अनुच्छेद थे, 395 भाई, ठीक है। अब वहां कितने तक कर लिए थे बताओ जल्दी से फटाफट, 10 तक कर लिए थे। अब अगली सीरीज सुनो भाई, अगली कहानी सुनो, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। पहले 15 तक सुनो भाई, अब पहले 15 तक सुनो भाई, पहले यहां तक कहानी सुननी हम लोगों को, 15 तक, समझ आया? सुनो भाई, देखो 11 और 12 में ना पता है क्या है, 11 और 12 में पॉइंट सुन लेना, 11 और 12 में ना दोस्तों दोनों में सेम है। अब आगे बताऊंगा, अलग इनको बाद में करूंगा, अभी के लिए याद रखना सेंटर और स्टेट रिलेशन है, सेंटर और स्टेट रिलेशन। भाई हमारे देश में दो तरह की सरकारें थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में है, तो 11 और 12 दोनों में है। तो बस याद रखना, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में आते हैं दोस्तों, किस भाग में आते हैं, दोनों में, 11 और 12 में। देखो रिलेशन दो तरह के होते हैं, ये 11 में आएगा ये रिलेशन, और ये 12 में आएगा। 12 में तो आते हैं केंद्र और राज्य के बीच फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध का मतलब है, एक बात बताओ भाई, जब भी सरकार टैक्स वसूलती है, केंद्र सरकार जीएसटी वसूलती है, तो कितना पैसा किस राज्य के पास जाएगा, तो ये इनके बीच संबंध है ना। तो केंद्र और राज्यों के बीच अगर फाइनेंशियल रिलेशन पूछा जाए तो भाग 12 में है,
और अगर भाई प्रशासनिक संबंध पूछा जाए ना, प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन, ये किस में है? भाग 11 में है। तो सीधा सा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, 11 और 12 जब भी आएगा ना, 11 और 12 जब आएगा तो सीधी सी बात रखनी है, केंद्र और राज्यों के बीच क्या है, संबंध है। और संबंध दो तरह के होते हैं, 11 में तो है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन और 12 में है फाइनेंशियल यानी वित्तीय संबंध। बताओ भाई पहले समझ आया? 13 में सुनो भाई, ये तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध था। 13 में ना आप कह सकते हैं स्टेट का स्टेट से रिलेशन, स्टेट का स्टेट के साथ रिलेशन, राज्य का राज्य के साथ संबंध है, स्टेट का स्टेट के साथ रिलेशन। या इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं ना, देखो भाई 13 में क्या है, भारत के अंदर भारत का जितना एरिया है ना, हम उसके अंदर व्यापार कर सकते हैं, यानी कोई भी टेम्पो है या बड़ा ट्रक है वो किसी भी स्टेट में क्या है, आ जा सकता है, घूम सकता है, ट्रेड कर सकता है, व्यापार कर सकता है, कर नहीं सकता? तो यानी 13 में अगर सिंपल बात करें ना, ट्रेड एंड कॉमर्स है राज्यों के अंदर, राज्यों के भीतर क्या है, व्यापार और वाणिज्य हम कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हिंट मैंने दे दिया, 11 और 12 में तो था सेंटर और स्टेट का, और 13 में है स्टेट का स्टेट के साथ संबंध है। समझ आया? स्टेट का स्टेट के साथ संबंध है। चले भाई, तो ये हमने यानी 11, 12 और 13 ना, तीनों याद रखना, ये इनका आपस से संबंध है केंद्र का और राज्यों का। तो 11 और 12 में तो सेंटर का किसके साथ है, स्टेट के साथ है, और दो तरह के संबंध होते हैं उसमें, 11 में तो प्रशासनिक संबंध है और 12 में वित्तीय संबंध है, भाग 12 में। अच्छा भाई, 13 में सेंटर और सॉरी स्टेट और स्टेट, राज्य और राज्यों का भी संबंध है, और कैसा संबंध है? आप बोलोगे राज्यों के भीतर व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य। दोस्तों ये 13 ना अपने पेपर देखना, दिल्ली पुलिस से बहुत बहुत बार पेपर आया हुआ है ये वाला भाग। 13 किससे संबंधित है? व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है भाई, देश की सीमा के अंदर, वो आगे बताऊंगा, अभी के लिए सुनो स्टेट का स्टेट के साथ रिलेशन है। अब आगे आगे देखो भाग 14, भाग कौन सा आ गया, भाग 14, हालांकि 14 ए भी है वो मैं आगे बताऊंगा, भाग 14। पहले 14 में है यूपीएससी, एसपीएससी और जेपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी प्रशासनिक सेवाएं है। अगर आपसे पूछा जाए ना भाग 14 में कौन सी सेवाएं है, प्रशासनिक सेवाएं है, प्रशासनिक सेवा यूपीएससी एसपीएससी भाग 14 में आते हैं। और दोस्तों देश का इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है, अरे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में जिक्र है बताओ, निर्वाचन आयोग का संविधान के किस भाग में जिक्र है, 15 में। तो 11, 12, 13 और 14, 15 इस प्रकार याद रखोगे। तो 11, 12, 13 तो रिलेशन था आपस से, 14 में यूपीएससी, 15 में इलेक्शन कमीशन है, सीधा सही याद रखना है, 14 में यूपीएससी, 15 में इलेक्शन कमीशन है। अब मैं इनके आर्टिकल्स लिख देता हूं, पहले 15 तक तो मैंने करा दिए, 15 तक करा दिए हैं, पहले इनके आर्टिकल्स और सुन लो भाई जल्दी से, फटाफट इनके आर्टिकल्स और सुन लो भाई, बार बार करेंगे। देखो पीछे तक हमने बता दिए थे आप लोगों को कितने आर्टिकल्स है, यहां 244 तक खत्म किया था भाग 10, भाग 10 244 तक खत्म किया था। तो अब आप लोगों को पता है खत्म शुरू कहां से होगा भाई, ये स्टार्ट कहां से होगा, तो 11वां स्टार्ट होगा, यहां पे लिख देता हूं, जो 11वां है वो स्टार्ट होगा 245 से लेके 263 तक, 263, और ये स्टार्ट होगा 12वां पूरा 264 से लेके 300 तक भाई, 300 यानी 300 तक तो हमारे 12 खत्म होगी, कितने खत्म होगी 12, ठीक है। आगे सुनो, फिर 301 से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि 300 तक तो यहां था, 301 से लेके 307 तक खत्म होगा, 307 तक, भाग 13। भाग 18 308 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी बताओ ना किस भाग में आता है और किस आर्टिकल में, 308 308 से लेके दोस्तों 323 आर्टिकल तक, 308 से 323। अच्छा भाई इलेक्शन कमीशन अब बताओ कहां से स्टार्ट होगा, 324 से स्टार्ट होगा, 329 तक चलेगा, 324 से 329 तक, क्या आपको समझ आया? अरे कई सारे आर्टिकल याद हो गए ऑलरेडी तुम्हारे को। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा बताओ इलेक्शन कमीशन का जिक्र किस आर्टिकल में, आप बोलोगे सुधा 324 में है। मैं पूछूंगा यूपीएससी का जिक्र बताओ किस आर्टिकल में, आप बोलोगे 308 आर्टिकल में है। भाई कई सारे अनुच्छेद तो हम लोगों को यहीं से याद हो जाएंगे भाग से, कितनी बार बोलूं भाई, कितनी बार बोलूं, पहला काम है तुम्हारा भाग याद करना, तुम्हारी माँ का समय है ये भाग सुनूंगा, समझ आया, याद करने हैं। 11, 12, 13, 14 और 15 हमने पढ़ लिए हैं। आगे देखो अब कौन सा याद रखना है, अब कौन सा आप लोगों को याद रखना है, 15 तक हो गया, आगे सुनो भाई, आगे हम कर रहे हैं अपना, अब आ गया 16, फिर 17 और फिर 18 और 20। दोस्तों ये और याद रखने हैं आप लोगों को, 16, 17, 18 और 20, मैंने 19 छोड़ दिया है, 21 छोड़ दिया, 22 छोड़ दिया, छोड़ दो उनको, मत ही पढ़ना था, ये और याद रखने हैं 16, 17, 18 और 20। और इनमें से भी आप लोगों को अगर मैं बता दूं ना तो कौन सा है, तो देखो एक तो है
अठारवा और एक बीसवा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने ये चारों है, पहले अठारवा और बीसवा बता देता हूं। अठारवे में है इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस है भाई, इमरजेंसी प्रोविजंस का मतलब है आपातकाल से संबंधित प्रावधान। जब भी पूछा जाए ना देश में तीन तरह का आपातकाल लगता है इमरजेंसी, आपने सुना होगा, ना सुना होगा तो बाद में टॉपिक पढ़ाऊंगा ये इमरजेंसी। तो आपात अभी के लिए लिख लो, आपातकाल से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में बताओ, इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस यानी कानून, तो ये है भाग 18। और भाग 18 और आर्टिकल कितना 352 से 360 पूरे भाई आप लोगों के 8 आर्टिकल है। 20 मार्च सुनो भाई एक बात बताओ, हम अपने संविधान ये जो है भाई इनमें चेंज कर सकते हैं ना, तो वो किस भाग में लिखा हुआ है, 20 में लिखा हुआ है। तो 20 में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जा सकता है यानी संविधान को संशोधन किया जा सकता है। हम अपने संविधान को क्या कर सकते हैं, संशोधन, कहां लिखा हुआ है बताओ संविधान के, कहां लिखा हुआ है। आप बोलोगे भाग 20 से लिखा हुआ है, कितना आर्टिकल है 368, एक ही आर्टिकल याद रखना 368, 368। क्या आपको समझ आया दोस्तों, आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखना है, संविधान में संशोधन, ये कब हुआ था, सॉरी आपसे क्वेश्चन आएगा संविधान में संशोधन कर सकते हैं, कहां लिखा हुआ है संविधान में। आप बोलोगे संविधान के भाग 20 में देख लो भाई लिखा हुआ है संविधान में संशोधन कर सकते हैं, आर्टिकल कितना 368, समझ आया 368। क्या आप लोगों को याद हुई दोस्तों, ये स्टोरी बनाओगे ना सारी की सारी तब याद होंगे, पहले बता दी है। तो 18वां पढ़ लिया, 20वां पढ़ लिया, 18वें में क्या है संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है, आप बोलोगे इमरजेंसी से संबंधित है। भाग 20 किससे संबंधित है, आप बोलोगे संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं इससे संबंधित है, समझ आया। फिर से देखो 11, 12, 13, 14 और 15 बिल्कुल आसान है। आप बोलोगे 11, 12, 13 में तो रिलेशन थे, 14 में यूपीएससी है, 15 में इलेक्शन कमीशन है, समझ आया नहीं आया, 15 में इलेक्शन कमीशन है। अब 16, 17 और सुन लो भाई, 16 और 17 ये भी देख लो जल्दी से फटाफट, ठीक है, और वो छोड़ देना जो मैंने बता दिया। अब दोस्तों 16 में फिर से लिख सकते हैं आप लोग एससी और एसटी को ना, एससी और स्पेशल प्रोविजंस है कुछ स्पेशल कास्ट के लिए। देखो एक तो हमने 10 में एससी एसटी क्षेत्र देखा था, समझ आया, एक सेकंड रुकेगा भाई यहां पे प्लीज, हाँ भाई देखो लाइट चली गई थी, एक बार फिर से वहीं पे आना जल्दी से ना, मैं आप लोगों को बता रहा था भाग 16 और भाग 17 के बारे में, लेकिन एक बार फिर से हम 11, 12, 13, 14, 15 और देखेंगे, स्पीडली देखेंगे भाई। भाग 11 और 12 में मैंने आपको क्या बताया, अभी बताओ जल्दी से, 11 और 12 में बताया मैंने सेंटर और स्टेट के बीच क्या बताया था भाई, रिलेशन बताया था, सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, और संबंध दो तरह के होते हैं बताओ, प्रशासनिक संबंध तो भाग 11 में आएंगे, और भाग 12 में आएंगे वित्तीय संबंध, वित्तीय का मतलब फाइनेंशियल रिलेशन, और आर्टिकल मैंने बता दिया था, आर्टिकल बता दूंगा बाद में भी। 13 में क्या था बताओ, 13 में था स्टेट का स्टेट के साथ रिलेशन, स्टेट का स्टेट के साथ संबंध था, याद आया, या इसमें है ट्रेड एंड कॉमर्स याद रखना, वैसे तो ट्रेड एंड कॉमर्स। चले भाई भाग 13 तक तो हमने कर लिया था, तीनों का आपस में संबंध है। अब 14 में बस थोड़ा सा हिंट जान लो, 14, 15, 16, 17, 18 और 20 क्या है, थोड़ा सा हिंट जानना है। 14 में मैंने बताया था ना यूपीएससी है भाई, यानी प्रशासनिक सेवाएं बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। 14, 15 में इलेक्शन कमीशन था भाई, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग का जिक्र भाग 15 में है, समझ आया। अब 16 और 17 में बता रहा था, 18 में क्या था भाई, इमरजेंसी प्रोविजंस थे, इमरजेंसी प्रोविजंस आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में आते हैं, 18 में भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं संविधान के किस भाग में था, 20 में। क्या ये बात समझ आई, अरे यही तो मैंने कराया था। अब सुनो भाई जल्दी से फटाफट इनके आर्टिकल और लिख लेते हैं इनके, पहले ये सुन लो 16 और 17 भाई, 16 और 17 क्या है भाई, 17 में तो आती है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, 17 में क्या आती है ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो हिंदी को राजभाषा बनाने की बात चलती है ना, या आप सीधी सी बात याद रखना, लैंग्वेज से संबंधित कौन सा भाग है, 17 है, लैंग्वेज से संबंधित कौन सा भाग है, 17 है, सीधी सी बात है, बस बात खत्म। अच्छा भाई यहां पे ना एससी और एसटी के रिजर्वेशन से संबंधित है, एससी और एसटी के किससे संबंधित है, रिजर्वेशन से, एससी और एसटी का रिजर्वेशन से संबंधित भाग कौन सा है, 16। बस छोटा छोटा हिंट भाई, बात खत्म। अच्छा वापिस अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, ये बताओ ये 245 से 263 था, भाग 12 264 से 300 था पूरा, भाग 13 भाई बताओ 301 से 307 बताया था, यूपीएससी बताओ अभी 308 से लेके 323। अच्छा भाई इलेक्शन कमीशन बताओ 324 से 329, अरे तुम्हारा काम यही है आज, कितना कोर्सा कहां तक है, 330 से 342 भाई,
343 से लेके 351, ये आपको पता है इमरजेंसी 352 से 360, और ये हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितना था 368। बताओ भाई समझ आया नहीं आया? अब ये लिखा कहां पे है ये और देख लो भाई किताबी लैंग्वेज किस प्रकार है। ये आपके सामने किताबी लैंग्वेज और आ गई, पहले इंग्लिश वाले बच्चे देख लो फिर हिंदी वाले बच्चे देखो भाई क्या है। आप लोगों को नजर आ रहा होगा हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं भाई? पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहला पार्ट क्या है? पहला एरिया बताया था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल कितना 1 से 4। दूसरा भारत के नागरिक डिसाइड करने हैं, सिटीजनशिप 5 से 11। फिर उनको कुछ अधिकार देंगे, फिर उनके कुछ ड्यूटीज भी बनती है। डीपीएसपी भाग 4 में था, तो पहली स्टोरी मैंने कहा था, पहली स्टोरी तो आप लोगों को यहां से लेके यहां तक याद करनी थी, यहां से लेके यहां तक, ये थी हमारी पहली स्टोरी, समझ आया। फिर पांच से लेके कहां तक चलना था भाई? 10 तक, 5 से लेके 10 तक चलना था। 5वें क्या था? संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट। 6वें स्टेट गवर्नमेंट, 7वां हटा रखा है, 8वां यूनियन टेरिटरी था भाई। राज्यों के अंदर पंचायतें होती है और एस सी एस टी क्षेत्र होता है, और पंचायतें होती है और एस सी एस टी क्षेत्र होता है। अब सुन लो भाई, मैंने आप लोगों को ना वहां तक तो बता दिया, अब 9 भाग जो था ना उसको थोड़ा सा बारीकी से और सीखो। ये 9 जो है ना, 9 ए बी है, 9 बी बी है, तो याद रखना 9 में तो है पंचायतें, पंचायतें भाई। 9 ए में क्या है फिर? नगर पालिका है, सीधी सी बात है भाई। भाई एक पंचायत होता है, गांव में पंचायत होती है, शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज होती है। तो 9 में एक गांव था, 9 ए क्या है? शहर है, तो द म्यूनिसिपैलिटीज। आर्टिकल भी याद रखना भाई, 343 से 343 ओ ओ है, ये ओ यानी पूरा 15 पे आता है। फिर ओ से आगे क्या स्टार्ट होगा? पी, पी से लेके जेड यानी 26 और 7 यानी जेड 26 पे आता है, जी 7 पे आता है। अच्छा भाई 9 बी बी याद रखना, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी के लिए ऐसा कैसा याद रखना? 243 ZH से 243 ZT, ये आर्टिकल याद रखने हैं। वैसे देखा जाए तो एक ही आर्टिकल था 243 9 का, यही तो बताया था। 10वां जो था शेड्यूल ट्राइब एस सी एस टी क्षेत्र, एक ही आर्टिकल है 244। अच्छा भाई 244, इससे आगे देखो भाई, इससे आगे देखो, इससे आगे हमने क्या किया था? इससे आगे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भाई, अब हिंदी वाले देखेंगे सिंपल ये का ये है और कुछ नहीं है, पीडीएफ ले लेना भाई। आप पढ़ोगे ना, जब पढ़ोगे अब आपको याद हो चुका है भाई। पॉलिटी में मैंने पहले बता दी, इस पे टाइम मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पॉलिटी इसके बिना नहीं आएगी, पहले बता रहा हूं भाई, पॉलिटी पार्ट्स के बिना आएगी नहीं, इसलिए भाई बार बार जोर दिया जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले इसको सीखो, समझ आया। चले भाई 10 तक हो गया ना, फिर हमने याद किया था 11 से लेके 15 तक आओ पहले, 11 से लेके 15 भाई। 11 और 12 में मैंने क्या बताया था? रिलेशन बताया था ना, सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन थे, तो देखो यूनियन और स्टेट के बीच रिलेशन है, तो इसमें कैसे रिलेशन थे बताओ? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक संबंध। अगले में कैसे थे? फाइनेंशियल संबंध थे, वित्तीय संबंध थे, तो भाग 12 और 11 हो गया। 13 में मैंने बताया था ना ट्रेड और कॉमर्स है भाई, इंटरकोर्स, इंटरकोर्स होता है स्टेट के भीतर, स्टेट के अंदर, तो 301 से 7 आपको पता ही चल गया। 14 में क्या था? सर्विसेज थी, सर्विसेज कौन सी होती है? अरे अंडर द यूनियन, यूनियन यानी यूपीएससी एसपीएससी वो है सारा का सारा। अच्छा भाई एक 14 ए और है ट्रिब्यूनल्स, 14 ए और है ट्रिब्यूनल्स, मैंने बताया था 14 भी याद रखना, 14 ए भी याद रखना है ट्रिब्यूनल्स। अच्छा 15 में क्या था? इलेक्शन थे। 16 में क्या था? एस सी एस टी को क्या दिए गए हैं? आरक्षण, तो वो है देखो स्पेशल प्रोविजन, किससे रिलेटेड है? रिलेटिंग टू सर्टेन कास्ट। आगे देखो भाई, आगे आपको नजर आएगा, आगे आपको नजर आएगा, यहां पे देख सकते हैं भाई सर्टेन क्लासेस। 17 में हमने पढ़ लिया था लैंग्वेज है, 18 में इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान है, 19 छोड़ दो, 21 छोड़ दो, 22 छोड़ दो, 20 और याद रखना अमेंडमेंट से 368 आर्टिकल। समझ आया नहीं आया? हिंदी वाले भी देख सकते हैं भाई, सारा का सारा वही लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत 9A 9B, ये भी याद रखना है। समझ आया नहीं आया दोस्तों? ये तो मैंने सिखा दिया आप लोगों को, क्या भाग, ये क्या सिखाया मैंने आप लोगों को? भाग, क्या समझे, आए है या नहीं आए आप लोगों को? अब दूसरी चीज सीख लो, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, एक दूसरी चीज सीख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, दो बात आप लोगों को ना सीखनी है। अगली क्लास में जब आऊंगा तो पहले से ये अपने दिमाग में सेट करके आना भाई। अब सुन लो क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं पार्ट 5 के बारे में। अब बताओ जब भी मैं भाग 5 बोलूंगा पता है किससे संबंधित है? अब आपको दो चीजें पता होना चाहिए, हाँ भाई भाग 5 यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है, संघ सरकार से संबंधित है, यूनियन गवर्नमेंट, और आर्टिकल पूछू तो कितना से कितना, आप बोलोगे 52 से लेके 151 तक, 52 से 151। या ऐसा करो भाई छोड़ दो इसको, छोड़ दो, समझ आया? ये अगली क्लास में बताऊंगा, आज तुम ना बस ये भाग याद करो भाई, अगली क्लास में इनको अच्छे से करूंगा मैं, समझ आया? चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।